नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सर्विसेज फिर से शुरू कर दी है। भारत ने एक महीने पहले कनेडियन सिटीजन्स के लिए वीजा सर्विसेज बंद कर दी थी। ऐसा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा मोदी सरकार पर कनाडा में सिख पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट का आरोप लगाने के बाद किया गया था। निज्जर की 18 जून इसी साल को वैंकूवर के पास एक गुरुद्वारा के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारत सरकार के अनुसार निज्जर एक अलग सेपरेटिस्ट सिख राष्ट्र खालिस्तान की मांग का समर्थन करते थे और उस आंदोलन में सक्रिय थे। 45 वर्षीय निज्जर ने इन आरोपों का इनकार किया था। भारत सरकार ने उनके असैसिनेशन में इन्वॉल्वमेंट से भी इनकार किया था। कनाडा भारतीय मूल के लगभग 1.4 मिलियन कुल लोगों का और लगभग 8 लाख सिखों का घर है, जो भारत के बाहर सबसे बड़ी डायस्पोरा, सिख डायस्पोरा की आबादी है। भारत में सिख अलगाववादी आंदोलन को लगभग ना के बराबर समर्थन मिलता है। थोड़ा बहुत जो समर्थन है बस सिख डायस्पोरा में ही है। मोदी सरकार का कहना है कि ट्रूडो की सरकार खालिस्तानी गुटों को फ्रीली ऑपरेट करने देती है और इस तरह से भारत विरोधी ताकतों को कनाडा में बढ़ावा मिलता है। कनाडा के हिसाब से उनकी गतिविधियां लोकतांत्रिक प्रथाओं के अंतर्गत हैं। लेकिन आज मेरा उद्देश्य कनाडा के साथ भारत के संबंधों पर चर्चा करना नहीं है। मैं इस बात की भी जांच नहीं करूंगा कि क्या कनेडियन गवर्नमेंट ने वास्तव में एंटी इंडियन फोर्सेस को प्रोत्साहित किया है। यह कनाडा और अन्य देशों में खालिस्तानी आंदोलन की ताकत का एस्टिमेशन भी नहीं होगा। हम केवल इस बारे में बात करेंगे कि स्थिति ऐसे कैसी बनी, ऐसा क्यों है कि सिख जो अब भी अपनी बहादुरी और देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं उन पर बार बार राष्ट्र विरोधी होने का आरोप क्यों लगाया जाता है। सिख समुदाय में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों की एक लंबी परंपरा रही है, परंतु इतने कम समय में हर बात पर चर्चा करना संभव नहीं है। लेकिन मौजूदा मुद्दों की रूट्स अर्ली और मिड 1970s में हैं। उस समय सिखों द्वारा की गई विभिन्न मांगे इंदिरा गांधी के कार्यकाल या फिर टेन्योर के एक कठिन दौर के साथ कोइंसाइड की थी। उस पीरियड की एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जेलों में 1,40,000 अंडर ट्रायल्स में से 40,000 सिख थे। प्रसिद्ध अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट पॉल ब्रास ने एक ऐसे पंजाब क्राइसिस एंड द यूनिटी ऑफ इंडिया उसमें लिखा है, एग्जैक्ट कोट, द ओनली सस्टेन्ड एजिटेशनल मूवमेंट अगेंस्ट द इमरजेंसी रेजिम वॉज कैरिड आउट बाई द अकाली दल ड्यूरिंग दोज ईयर्स। इंदिरा गांधी और अकाली दल के बीच एनिमोसिटी का एक लंबा इतिहास था। 1973 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पंजाब में बहुमत मिला। इसके परिणाम स्वरूप अकाली दल को नए राजनीतिक स्ट्रैटेजीज खोजने पड़े। अक्टूबर 1973 में अकाली दल ने अब प्रसिद्ध आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन प्रस्ताव पारित किया, उसे पास किया। ये अर्थव्यवस्था, भाषा से लेकर खेती और कृषि तक विविध क्षेत्रों को कवर करने के लिए 12 प्रस्तावों का एक समूह था।
हालांकि सभी ने इसका नाम सुना है, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसकी मांग क्या थी उसके बारे में पता है और ये क्यों पंजाब के पॉलिटिकल डिस्टरबेंसेस का रूट कॉज था। अजीब बात ये है कि जब आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशंस पास हुए थे, पंजाब के किसी भी महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट अखबार में से किसी ने भी कोई खास कवरेज नहीं दी थी। इमरजेंसी के दौरान पंजाब के सिक्स फंडामेंटल राइट्स में कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे थे, लेकिन वे चंडीगढ़ को पंजाब में ट्रांसफर कराना और रवि, ब्यास, सतलज और यमुना नदियों से पानी का फेयर एलोकेशन भी चाहते थे। सिखों को परेशान करने वाला एक और बड़ा मुद्दा था। 19वीं शताब्दी के मध्य से ही आर्म्ड फोर्सेस में एक बहुत बड़ा हिस्सा सिखों का हुआ करता था। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने भारतीय सेना में सिंगल कम्युनिटी रेजिमेंट्स को फ्रीज करने का निर्णय लिया था। 1970 के दशक की शुरुआत में भारतीय सेना में सिखों की संख्या 15% से अधिक थी। सरकार ने सिखों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगा दिया। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की मांग थी कि सेना में सिखों के प्रोपोर्शन को मेंटेन किया जाए। 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पंजाब से एक भी सीट नहीं मिली। अकाली दल ने 9, उसके सहयोगियों जनता पार्टी ने 3 और सीपीएम ने एक सीट जीती। विधानसभा चुनाव में अकालियों ने 117 में से 58 या फिर 58 सीटें जीती, कांग्रेस को केवल 17 सीटें मिली। प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस ने शुरू से ही डिस्टेबिलाइज करने की कोशिश की। इंदिरा गांधी ने अकाली दल को विभाजित करने की कोशिश की, उसके फलस्वरूप राज्य में राजनीति अस्थिर हो गई। इसके अलावा जरनैल सिंह भिंडरांवाले को कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रमोट किया गया था। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशंस की मांगों का डिनायल और ये घटनाक्रम ने सिखों में एक सेंटीमेंट उजागर कर दिया कि सिखों को जस्टिस डिनाई किया गया है। धीरे धीरे इन लोगों को लगने लगा कि जैसे ही वे न्याय की मांग करते हैं या फिर आवाज उठाते हैं, उन्हें खालिस्तानी करार दिया जाता है। यह सिलसिला अब भी चल रहा है। किसान आंदोलन के दौरान आपने ये देखा होगा, आंदोलनकारियों को खालिस्तानी कहा जाता था ऑफिशियल सर्कल्स द्वारा। कई एकेडमिक्स ने कहा है कि यद्यपि पंजाब को विभाजन के कारण अधिकतम लॉस और ट्रॉमा का सामना करना पड़ा था, लेकिन सरकार ने इस राज्य पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि दिया जाना चाहिए था। पंजाब ग्रीन रिवॉल्यूशन का जन्म स्थान भी था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कम हुआ। इससे जनता में गुस्सा फैल गया और इसका फायदा भिंडरांवाले जैसे लोगों ने ले लिया। अकालियों ने फेडरलिज्म के सिद्धांतों के तहत अधिक पावर्स की मांग की थी, लेकिन ये सभी मुद्दे सेकेंडरी हो गए क्योंकि हिंसा एक दैनिक घटना बन गई। इंदिरा गांधी के साथ साथ हमारा मानना है आरएसएस ने भी समाज के स्तर पर सिखों के खिलाफ एनिमोसिटी बढ़ाने में मदद की। आंदोलन बेकाबू हो गया और आम हिंदुओं की हत्याएं हुई लगातार अर्ली 1980s से। इसके अलावा और भी हिंसक वारदातें हुई। निरंकारी जैसे सिख संप्रदायों का विशेष रूप से निशाना और टारगेट किया गया। ये अक्सर कहा जाता है कि बाघ की सवारी करना तो आसान है, लेकिन इच्छा अनुसार उससे उतरना कठिन है। डिसमाउंटिंग अ टाइगर इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट देन व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट राइडिंग इट। कुछ ऐसा ही हुआ।
इससे पहले कि किसी को एहसास होता कि स्थिति इतनी खराब है, सरकार को उन उग्रवादियों को गोल्डन टेंपल से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार का सहारा लेना पड़ा। स्वर्ण मंदिर को सभी आतंकवादियों से मुक्त तो करा लिया गया, लेकिन सिख समुदाय को इस आर्मी एक्शन से बहुत गहरी चोट पहुंची। इंदिरा गांधी के दो सिख बॉडीगार्ड्स की भावनाएं इतनी हर्ट हुई कि उन्होंने उनकी हत्या कर दी। उस समय सत्ता में रही कांग्रेस सरकार ने कमजोरी के क्षण में दिल्ली, कानपुर, बोकारो और पूरे भारत के कई शहरों और कस्बों में सिखों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया। मैंने इन हिंसक घटनाओं का विस्तृत वर्णन विवरण अपनी पुस्तक सिक्स द अनटोल्ड एगनी ऑफ 1984 में दिया है। सरकार को बहुत सावधान रहना होगा। भारत की सामाजिक समरसता बहुत फ्रेजाइल है। पंजाब की राजनीति आसानी से पटरी से उतर सकती है। सिखों और अन्य भारतीयों के बीच रिश्ते एक बार फिर संदेह से ड्रिवन हो सकते हैं। मैं सरकार और भाजपा के राजनीतिक संदेश को लेकर चिंतित हूँ। वे बार बार खालिस्तान का डर क्यों पैदा कर रहे हैं, जबकि सिर्फ गिने चुने लोग कुछ ही देशों में सक्रिय हैं। भारतीयों के सामने अधिक महत्वपूर्ण चैलेंजेस हैं। अभी भाजपा द्वारा लगातार भारतीयों को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है। चुनाव के सीजन में रिलीजियस पोलराइजेशन प्रमोट किया जा रहा है। आप चाहें तो रोक सकते हैं, रोकिए प्लीज। नमस्कार।